से है, क्या फ़ोन की जो रिंगटोन और घंटी होती है उसमें कुरान की आयत, अजान, नात वगैरह लगाना दुरुस्त है? इस किस्म की जो ट्यून लगाई जाती है उसके दो मकसद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये हो सकता है कि किसी को पता चल जाए कि फ़ोन आया, तो अलार्म या उसको इत्तला देना। तो ज़ाहिर है इसके लिए तो ज़िक्रुल्लाह को इस्तेमाल करना, कुरान की आयत को, दुरूद शरीफ को, ये ठीक नहीं। और एक मकसद ये हो सकता है कि जब वो फ़ोन सुनेगा तो उतनी देर तक वो, जब तक मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा, तो वो कुछ ना कुछ खैर की बात सुनता रहेगा। तो ये मकसद तो अच्छा है, लेकिन इस मकसद में भी ये ख़राबी है कि मतलब कुरान करीम की आयत है, वो बीच में किसी वक्त भी वो दरमियान में फ़ोन जैसे ही उठाएंगे तो वो कट जाएगी और उसकी बेहरमती होगी। तो लिहाजा कुरान करीम की आयत का लगाना तो बहरहाल ठीक नहीं है। अलबत्ता कोई नातिया कलाम, कोई अच्छे अशार, इस किस्म की चीज़ें लगा ली जाएँ जिनके बीच में कटने की वजह से कोई बेहरमती का पहलू ना हो। ठीक, बहुत शुक्रिया। राजस्थान से मोहम्मद साहब का पहलू अगर और भी थोड़ी सी। जी जी, इरशाद। तो यह है कि इस किस्म की टून जब लगाई जाती है तो कभी इंसान वाशरूम चला जाता है और वहाँ मोबाइल बजने लगता है, तो इस लिहाज से भी ये अगर इससे परहेज़ किया जाए तो शायद बेहतर होगा। सही।